हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फैनकोड ECI वुमन T10 की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर ऑस्ट्रिया वुमन वर्सेस स्पेन वुमन के बीच में। तो चलिए दोनों टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर करेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर शारजा रमजान T20 के वीडियोस मिलेंगे, साथ ही में यहाँ पर असम T20 का कल फाइनल मैच होने वाला है, और इसके साथ साथ एशिया T10 चल रहा है, और इसके साथ साथ रवांडा भी कल होने वाला है। तो काफ़ी सारी अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगी। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है। इनकेस लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए फैंटासी डिसीजन चैलेंजर, या फिर आप सर्च करिए @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। बात करें इस मैच की, तो ये मैच शाम को 4 बजे पहला मैच और दूसरा मैच यहाँ से रात को 10 बजे है, और खेला जाएगा यहाँ पर करटामा ऑल करटामा स्पेन में। देखो वैसे पिच रिपोर्ट की बात करो तो ये पिच यहाँ से बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, लेकिन वही बात है कि यहाँ पर वुमन्स मैचेस है, लेकिन वुमन्स मैचेस है इस दोनों ही टीम के पास एक एक प्लेयर ऐसा है जो कि अगर खेल जाता है तो इस स्कोर को यहाँ पर 120-130 के पार भी लेके जा सकता है, वो हम आगे देखेंगे। बाकी एवरेज 110 के प्लस आपको स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। वुमन मैचेस है तो यहाँ से हम लोग आपसे 90-110 एक्सेप्टेबल कर सकते हैं। इनके अलावा से सबसे पहले ऐसे बात करते हैं टीम ऑस्ट्रिया वुमन की। अभी देखो ये जो बैटिंग ऑर्डर है इनकी लास्ट T20 का है, और रिकॉर्ड्स भी सारे T20 के ही है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओपनिंग की बात करो तो ओपनिंग में ऐसे प्रिया सबू और यहाँ पर एंड्रिया माय जपेड़ा दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं। और इंपॉर्टेंस की बात करो तो देखो सबू बैटिंग ठीक ठाक करवा लेती है, 23 मैच के ना करीबन 10 की एवरेज से 168 रन है, तो ठीक ठाक ऐसे बैटिंग करवा लेती है। अगर कोई चॉइस हम ले तो ट्राई करें, क्योंकि ये खेलेगी टॉप में, क्योंकि रेगुलर तो ये ओपनिंग करवाती है, लेकिन यहाँ पर T10 में आपको मालूम है कि जैसे कि यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर जो है यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसके लिए यहाँ पर इनको एज अ डिफरेंस वैल्यू में कुछ आप डिफरेंस वैल्यू में इनको ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी मैं यहाँ पर इनको सजेस्ट करता हूँ एज अ प्लेयर। बाकी एंड्रिया माय जपेड़ा की बात करो तो ये एज अ प्लेयर के साथ सीधे कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी हमारे लिए। वाइस कैप्टन भी नहीं, यहाँ से हमारे लिए कैप्टन की बेहतर पिक रहेगी, क्योंकि इससे बेहतर प्लेयर शायद ही हमको मिलेगी। 24 मैच के लिए इस बंदी ने जहाँ पर करीबन 38 के एवरेज से 722 रन है, 10 विकेट निकाले उन्होंने 81 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों इसे तगड़ा एडवांटेज देगी। बैटिंग से ओपनिंग आती है और 2 ओवर्स पूरी करवाएगी, तो डेफिनेटली एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी। इनके साथ जैसे मल्लिका एम, काफ़ी लंबा नाम है तो मैंने शॉर्ट किया हुआ है, MM पाथिराना है लागे की बात करो तो राइट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ ऐसे राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है, 15 मैच के अंदर 16 विकेट है, 16 के एवरेज से 160 रन भी है, तो बैटिंग और बॉलिंग ठीक ठाक करवा लेती है। हर एक मैच के अंदर ऐसे 1-2 ओवर की पूरी गेंदबाजी करेगी, तो इनको भी हम लोग एज अ प्लेयर लेके जाएंगे। और इसके साथ यहाँ पर जो एंटोनी स्टिग्लिच 22 मैच के करीबन 16 के एवरेज से 222 रन है, जहाँ पर इन्होंने 44.2 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट निकाली, बॉलिंग से ठीक ठाक, लेकिन बैटिंग से आप तो आपको 15-20 रन करके दे सकती है। तो ये चारों ही प्लेयर्स की बात करो तो इस टीम से ये चारों ही प्लेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से जपेड़ा कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी। इनके अलावा ऐसे आप लोग ऐसे MM पाथिराना है ले गया को कि आप लोग ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, तो ये दोनों यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगे, और इन दोनों को आप लोग एज अ प्लेयर लेके जा सकते हो। इनके बाद ऐसे हरजीवन बुल्लर जो कि लास्ट मैच के अंदर बैटिंग लाइनअप में थे नहीं, तो शायद आप लोग चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो, मैं यहाँ से इनको अभी के लिए सजेस्ट नहीं करता। 22 मैच के अंदर 88 रन है, तो अगर कोई चॉइस नहीं मिलती तो ट्राई करेगा। इनके अलावा ऐसे वैलेंटिना अविलास की बात करूँ तो 106 ओवर्स की गेंदबाजी इन्होंने 28 मैच के अंदर की है, साथ में यहाँ पर 20 विकेट भी निकाली हुई है, तो आपको हर एक मैच के अंदर 1-2 ओवर्स करवा सकती है। राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी यहाँ पर शुरुआत में या डेथ में भी आ सकती है, तो इस प्लेयर को आप लोग लेके जा सकते हैं। इनके अलावा से बुसरा यूसीए विकेट कीपर बल्लेबाज है, बैटिंग ऑर्डर लास्ट मैच के अंदर थोड़ा सा नीचे रहा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पर 4th-5th नंबर पर बैटिंग के लिए आ सकती है, रिस्की खेलो तो ट्राई करेगा। वैसे विकेट कीपिंग सेक्शन से कोई चॉइस ना मिले तो यहाँ से बुसरा यूसीए आपके लिए एक बेहतर पिक बन सकती है। इनके अलावा से
खन्ना, सिमसन, पार्कर ओके रहेंगी। इन्होंने दो मैच खेले हुए जहाँ पर इनकी बैटिंग ही नहीं आई हुई है। इनके अलावा ऐसे सौजन्य चमुंदा नाई की बात करो तो 6 मैच के अंदर 4 विकेट है, डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो। इनके अलावा ऐसे सैफी ने 6 मैच के अंदर 2 विकेट निकाले हुए और रेड्डी ने 11 मैच के अंदर 7 विकेट निकाले हुए। तो इन तीनों में से किसी एक या दो प्लेयर्स को आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हो। ज़्यादा बात करो तो ऐसे श्रिया रेड्डी और ऐसे सौजन्य चामुंडाइज की बात करो तो ये यहाँ पर एक या दो ओवर्स पूरी करवा सकती है। सैफी शायद यहाँ पर ओवर्स करे ना करे कंफर्म नहीं है। इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगी तो इनके कोई भी अपडेट वगैरह मिलती है तो आपको टेलीग्राम में अपडेट करवा दूंगा ताकि आपको भी आसानी रहेगी चेंजेस वगैरह करने की। इसके बाद बात आती है ऐसे स्पिनर। अभी देखो इनका ऑलरेडी पहला मैच है 2 बजे, जो मैच है इनका माल्टा के साथ। अभी माल्टा वुमन्स के रिकॉर्ड्स मुझे मिले नहीं तो मैंने 2 बजे वाली मैच बनाई नहीं, मैं यहाँ से सीधा 4 बजे वाली मैच कवर करूँगा। लेकिन ये मैच जब स्टार्ट होगी तो इससे पहले इनकी एक मैच खत्म हो चुकी होगी जो कि 2 बजे वाली थी, तो हमें उस स्कोर कार्ड को भी ध्यान में रखना है। लेकिन अभी के लिए ओपनिंग की बात करें तो ऐसे पायल चिलोंगा और यहाँ पर एस्पेथ फाउलर दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं। फाउलर टीम की कप्तानशिप करवा रही है, देखो T20 के अंदर कप्तान है। अभी रिसेंटली इन्होंने नवंबर में ही खेला हुआ है 2022 में, जहाँ पर एस्पेथ फ्लावर इनके भी जो रिकॉर्ड्स है वो T20 के ही है। चिलोंगा की बात करते हैं, बैटिंग के साथ साथ ओवर्स वगैरह करवाएगी। 4 मैच के अंदर 14 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट निकाली, करीबन 21 की एवरेज से 63 रन है। तो ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो इस बंदी को। बाकी इस बंदी को लेके जाना है हमें एस्पेथ फाउलर की, क्योंकि बैटिंग से अच्छा खासा एडवांटेज दे सकते हैं। कल वैसे उस्मान सैयद 8 मैच के अंदर 69 रन है, डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो, लेकिन 10 विकेट्स भी है तो ये भी एक अच्छी विक बन सकती है आपके लिए, क्योंकि एक दो ओवर्स की पूरी गेंदबाजी करवाएगी हर एक मैच के अंदर। इनके अलावा बात आती है ऐसे नेमो हिलमन बैरे जो कि कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए इस टीम की बात करो तो सबसे बेहतर विक रहने वाली हमारे लिए। 4 मैच खेली जहाँ पर 152 की एवरेज से 152 रन है, जिसमें 44 रन हाईएस्ट है और अच्छी बैटिंग करवा लेती है। T20 के अंदर करवाई हुई है, 4 मैच के अंदर 13 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट्स भी निकाले हुई है, तो डेफिनेटली अच्छी पिक है, इनको लेके जाएंगे। बैटिंग से आपको अच्छा खासा एडवांटेज दे सकते हैं या पर बॉलिंग से आपको अच्छा खासा एडवांटेज दे सकते हैं, क्योंकि ये 2 ओवर्स पूरी करवाएगी प्लस बैटिंग से भी ऊपर आएगी। इनके अलावा से ममूना मोहम्मद को आप लोग ट्राई कर सकते हो, एक ही मैच के रिकॉर्ड्स मिले जहाँ पर 27 रन किए थे, 1 विकेट निकाले थे, 2 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई थी, तो ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। इनके अलावा से एमी ब्राउन करेरा की बात करो तो एमी ब्राउन करेरा 8 मैच के अंदर 6 विकेट निकाली है, 29 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है और करीबन 16 की एवरेज से 77 रन भी है, तो बैटिंग से आपको अच्छा एडवांटेज दे सकती है। हिफ्ज़ा बट ओके रहेंगी। इनके अलावा ऐसे मुस्कान नसीब की बात करें 6 मैच के अंदर 16 रन है। जसप्रीत गैंगकौर की बात करो तो 5 मैच के अंदर 3 विकेट है, 21 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई है, 14 रन है, डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये 1-2 ओवर्स करवा सकती है। इनके अलावा से राबिया मुश्ताक 1 मैच के लिए 2 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई, विकेटलेस रही लेकिन बैटिंग से 16 रन किया था उन्होंने, तो डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसे बैटिंग से ही ऊपर आ सकती है। इनके अलावा से तशीबा मिर्जा यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन से लिखेंगी, लेकिन बैटिंग ऑर्डर इनका काफ़ी नीचे रहता है तो इनको लेके जाना रिस्की रहेगा विकेट कीपिंग सेक्शन से, तो हम लोग सामने वाली विकेट कीपर को ही लेके जाएंगे। इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टेट्स उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाना है आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह वहीं पर मिलेगी। अभी बेंच से यहाँ पर सिमरनजीत गैंगकौर खेल सकती है और शायद यहाँ पर हम्मा हाशमी, इन दोनों में से कोई भी एक प्लेयर खेलती हुई नज़र आ सकती है। तो अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी ले सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। बात करें पर विकेट कीपिंग सेक्शन की तो BUCA को लिया हुआ है। इनके अलावा ऐसे मिर्जा तो काफ़ी नीचे बैटिंग के लिए आती है तो आई थिंक यही बेहतर रहेगी। इनके अलावा यहाँ से बात करें बैटिंग सेक्शन की तो मैंने फाउलर को लिया हुआ है, बाकी आप लोग बुल्लर वगैरह को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। इनके अलावा से पी सबू एक अच्छी पिक है, यहाँ से बैटिंग और बॉलिंग दोनों करवा सकती है तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर ढगला भर लिया है मैंने, ए माई जपेड़ा, एन हिलमन बरेजो, इनके साथ जैसे जे एंटोनियस टिगलिट, इनके साथ जैसे पी चिलोंगा, उस्मा सैयद और जैसे एम मल्लिका महादेवा पाथी, लंबा नाम है इनका, मल्लिका महादेवा पाथी राना हलेगा, इनको लिया हुआ है। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर वी अविलाज है, जे यानी कि जगप्रीत गैंगकौर है और यहाँ पर मेमुना मोहम्मद हमारी टीम के अंदर रहने वाली है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। टीम की बात करूँ तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी हमारी, जपेड़ा को मैंने कैप्टन किया हुआ है और यहाँ पर MM हिलमन बरेगा को मैंने बरेजो को मैंने वाइस कैप्टनशिप दी हुई है। देखो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग यहाँ पर रोटेट भी कर सकते हैं, यानी कि हिलमन को कैप्टन करके ऐसे जपेड़ा को वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी
इनकी पहली मैच जब होगी तब और प्लेयर के बारे में अच्छे से जानेंगे हम लोग, तो और डिटेल से जानेंगे। तो 4 बजे जो भी होगा कुछ डिटेल वगैरह वो मैं आपको स्कोर के साथ अपडेट करवा दूंगा, यानी कि जो पहली मैच उनकी हुई है उस स्कोर के साथ अपडेट आपको टेलीग्राम में करवा दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इनकेस लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च करिए @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर दी जाएगी। या अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नई सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।